बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जाओ भी खैरियत से हों। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की फ़्लाइट के हवाले से कुछ न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं कि क्या कल वाकई इस अपडेट की कोई तवक्को है? कल सोमवार है, कल पाकिस्तान में जो है लॉकडाउन भी ओपन हो रहा है, और इस हवाले से फ़्लाइट पर जो है क्या असरात मुरतब होंगे, ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। इस हवाले से रिसेंटली वज़ीर आज़म का जो दौरा था उस हवाले से भी हमने एक न्यूज़ शेयर की, और उस हवाले से हमने आपको बताया कि इस हवाले से तो कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अब तक की कोई ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ फ़्लाइट के हवाले से क्या है वो इस वीडियोज़ में आपको बताएँगे। तो मुकम्मल वीडियोज़ को देख लिया करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा तब होगा जब आप हमसे टिकट लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे अपना टिकट तो सेल नहीं करना है, हम जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि इंफॉर्मेशन को भी नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ कर हमारी आँख खुले और हम सऊदी में हों। तो भाई ऐसा नहीं होगा। इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं उन हालात को आपने देखना होगा, उन हालात के साथ आपको चलना होगा। अपनी पुरानी आदतें आपको छोड़नी होंगी, नए हालात में आपको ढलना होगा, और नए हालात के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब वो सारी बातें आपको भूलना होंगी जो आपकी थी। अब आपको किसी के ऑर्डर पर चलना होगा, किसी की पॉलिसीज पे जो है अमल करके चलना होगा। कभी कभी लोग सऊदीया को ऐसे समझते थे जैसे वो जो है घर से किसी शॉप पर जाते हैं, लेकिन अब वो ये सऊदीया नहीं रहा। इसके लिए भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो लिहाजा वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं जनाब। बात प्राइम मिनिस्टर गए अपना सऊदी अरब विज़िट किया, ठीक है, तो वहाँ पर इस फ्लाइट के मामले में उन्होंने कोई बात नहीं, ऑल ओवर उन्होंने बात की कि जहाँ पे लोग काफ़ी काम करते हैं, ये करते हैं, वो तो सबको पता है भाई करते हैं। और तमाम जो हमारे एशियाई मतलब इंडियंस हैं, बंगाली हैं या पाकिस्तानी हैं, यही लोग वहाँ ज़्यादातर जो है जॉब्स वगैरह करते हैं, तो ये तो सबको पता है। फ़्लाइट के बारे से साहब ने कोई बात नहीं की कि फ़्लाइट के बारे में बंदा बात कर ही लेते हैं कि भाई क्यों फ़्लाइट्स बंद हैं। अब लोगों के वीज़ा और अकामा जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ छुट्टी लोग आए थे उनका क्या होगा? तो लोग जनाब अफगानिस्तान अम्बेसी का रुख कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी रश है। तो अगर कोई भी दोस्त अफगानिस्तान अम्बेसी जाना चाहता है तो उसे यहाँ से जो है PIA की टिकट करानी होगी, ठीक है, फिर काबुल में वो लैंड करेगा, काबुल में जाकर फिर वो अपने तमाम जो मामलात हैं वो तय करेगा। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है दोस्तों कि फ़िलहाल फ़्लाइट्स के हवाले से कोई जो है लेटर सस्पेंशन नहीं है, बिल्कुल फ़्लाइट्स बंद हैं, ठीक हो गया। कोई ऑफिशियल ज़राए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आए। तब तक के लिए इतना ही दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।